हाय एवरीवन, दिस इज जिनेश कोटा हियर एंड वेलकम टू आवर वीडियो ऑफ अकाउंट्स। सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द वीडियो ऑफ अकाउंट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम सम नंबर वन व्हिच इज ऑन पेज नंबर 207 ऑफ आवर मास्टर स्टेट टेक्स्ट बुक एंड वी आर डीलिंग विद द चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स। सो बच्चे लोग, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सम। ओके, सो हमारे सामने एक सम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। फर्स्ट सम है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो हमें स्टूडेंट्स कैश बुक भी दिया हुआ है और पासबुक भी दिया हुआ है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बच्चों को कि सबसे पहले जब हमें ऐसा सम दिया होता है, एक कैश बुक और एक पासबुक का एक्सट्रैक्ट दिया होता है, हमारा काम है चेक करना कि ये जो दोनों एक्सट्रैक्ट है स्टूडेंट्स, वो सेम पीरियड के हैं कि अलग अलग पीरियड के। पहले हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हम देख सकता हूँ वो अक्टूबर 2018 है। ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, इट इज अक्टूबर 2018 और यहाँ भी अक्टूबर 2018 दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जब हमें कॉमन पीरियड के लिए दिया होता है तो हम किसको कंसिडर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अनकॉमन आइटम्स को कंसिडर करेंगे। लेट्स सी, आई शो यू एग्जैक्टली। आप ये थ्योरी पार्ट एक बार के लिए गो थ्रू कर सकते हैं। When extract of cash book and passbook is given for the common period, uncommon items को consider करेंगे, क्योंकि दोनों में जो common है वो तो कोई problem ही नहीं है, common तो होना ही चाहिए। देखो आप यहाँ पे analyze कीजिए, दोनों का opening opening 10,000 है और यहाँ भी opening 10,000 ही है, तो great students, दोनों का opening तो बहुत सही चल रहा है। Closing चेक करो, यहाँ पे closing दिया है 9,800 by balance carried down। और students यहाँ पर closing हमें क्या 9,800 दिया हुआ है? Of course not, it is not. इट इज 16,500। कितना है? 16,500। तो गाइस कुछ तो गड़बड़ है। देखो ये हमारा कैश बुक है समझो, और ये हमारा पासबुक है ऐसा समझो, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैश बुक और यहाँ लिख रहा हूँ मेरा पासबुक, और दोनों का जो ईयर है अक्टूबर 2018 वो तो सेम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों का ओपनिंग सेम है, 10,000 10,000, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोनों का क्लोजिंग अलग है, क्लोजिंग रॉन्ग है स्टूडेंट्स, दोनों का सेम मैच नहीं हो रहा है। तो हम सम की शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम सम की शुरुआत करेंगे कैश बुक के एंड से, क्लोजिंग ऑफ कैश बुक से शुरू करेंगे और क्लोजिंग ऑफ पासबुक तक पहुंचना है। और क्या करेंगे? सारे क्रेडिट को प्लस करेंगे और सारे डेबिट को माइनस करेंगे। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? किसको? सिर्फ और सिर्फ अनकॉमन आइटम्स को, बिकॉज जो कॉमन है वो तो कॉमन होना ही चाहिए, बराबर है। ओके, तो हम दोनों एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक और पासबुक को गो थ्रू करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। इस नोट्स में भी वही लिखा है, अगर आपने ये लास्ट प्रीवियस वीडियो में कॉपी नहीं किया है तो यू कैन कॉपी दिस नोट्स प्रॉपरली, ठीक है। चलो तो शुरू करेंगे। हमें चेक करना होगा पहले कि कौन सा दोनों मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये हमारा ओपनिंग तो हमारा मैच हो ही रहा है, 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे अपूर्वा 6,000 है, मैच हो रहा है। वाइल जस्ट वेयर माई स्पेक्स वन सेकेंड। यस, अपूर्वा स्टूडेंट हमारा मैच हो रहा है, और सुनील सुनील का 4,000 भी स्टूडेंट हमारा मैच हो रहा है। मैं सुनील के सामने भी ग्रीन टिक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, अब आप अगर नेक्स्ट वाला देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे तेजस 12,000 है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। अनिल 3,000 है, अनिल 3,000, यस स्टूडेंट्स ये दोनों मैच हो रहा है, परफेक्ट। ड्रॉइंग्स 1,000 भी मैच हो रहा है स्टूडेंट्स, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लोजिंग तो मैच नहीं हो रहा इसलिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चलेगा। अब जो मैच नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, जो मैच नहीं हो रहा वो देख लेते हैं। अपर्णा 5,000, अपर्णा 5,000 यहाँ नहीं दिख रही है। ओमकार 3,000 भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। राजू स्वानंद भी नहीं दिख रहे हैं। तेजस 12,000 नहीं दिख रहा है मुझे। बैंक चार्जेस 200 नहीं दिख रहा है, और एडवर्टीजमेंट 2,000 भी नहीं दिख रहा है। इंटरेस्ट नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, और टेलीफोन बिल नहीं है स्टूडेंट्स। तो जो जो मैच हो रहे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों सेम मंथ के एक्सट्रैक्ट हैं, दोनों मैच होने ही चाहिए। तो प्रॉब्लम का स्टूडेंट्स, जो मैच नहीं हो रहे उसमें प्रॉब्लम है। तो कॉमन पीरियड में किसको कंसिडर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अनकॉमन आइटम को कंसिडर करेंगे, इतना याद रखना आप। इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बिकॉज अब मैं इसको रब करने वाला हूँ। ओके बच्चे लोग, अब सम की शुरुआत करेंगे। कहाँ से करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक से सम शुरू करेंगे और खत्म होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक तक, खत्म होगा। सिर्फ और सिर्फ अनकॉमन आइटम्स को, क्रेडिट सारा क्रेडिट में जो अनकॉमन है उसको प्लस करेंगे और डेबिट को माइनस करेंगे। चलो तो आइए अब हम सम की ओर जाने वाले स्टूडेंट्स। तो हमारा सम है पेज नंबर 207 पे और क्वेश्चन नंबर 1 है।
यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने सम पूरा सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी, जो देख लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आप चाहिए तो देख लीजिए 9800 हमारा कैश बुक का क्लोजिंग है 9800, ठीक है। अब शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड में तेजस दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखो अभी आप देखो वहां पे कैश बुक के क्रेडिट में दिया, इसका क्या मतलब होता है मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स कैश बुक के क्रेडिट में दिया मतलब कि हमने पेमेंट कर दिया था पर पासबुक से अब तक पैसा नहीं गया है, ठीक है। ये कैश बुक है, कैश बुक इज अ रियल अकाउंट, सोचिए डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बच्चे लोग हमने तेजस को पेमेंट कर दिया था, मुझे लगा कि पैसा गया लेकिन पैसा नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ मेरे पासबुक में तो उसकी कोई एंट्री नहीं दिख रही है। मैंने घर बैठे बैठे देखो कैश बुक इज समथिंग दैट आई मेक एट माय होम, पासबुक बैंक वाले बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने घर बैठे बैठे तेजस को चेक दे दिया था और मैंने सोचा कि ये पैसे मेरे पास कट हो जाएंगे, लेकिन अब तक कट नहीं हुआ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू तो कर दिया था बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ तेजस, तो 12,000 लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वापस आ जाओ पीछे, बैंक चार्जेस एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों ये दोनों है ना बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड, ये दोनों मुझे लगा था कि चला गया। देखो तो फिर से बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, पासबुक में तो नहीं दिख रहा है। एडवर्टाइजमेंट अमाउंट रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, ये दोनों भी मुझे लगा था कि चले गए लेकिन वो गए नहीं स्टूडेंट, अभी भी हमारे पास ही है, तो दोनों को प्लस कर दो, इज दैट ओके। अब पासबुक पे आ जाओ, पासबुक के क्रेडिट में देखो स्टूडेंट्स, पासबुक के क्रेडिट मतलब वो पैसा क्रेडिट हुआ है, मतलब पासबुक में आया है। पासबुक का कैसा होता है ना स्टूडेंट्स, क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है और डेबिट मतलब पैसा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स वो दोनों अमाउंट जो राजू और स्वानंद के है वहां पे हम लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर, कस्टमर लोग ने, ऐसा हुआ था विजडम में भी हम ऐसा हुआ है काफी बार, एक बार क्या हुआ था एक पेरेंट ने 5,000 रुपीज पे कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास मैसेज भी आया 5,000, ऑब्वियसली अब मैं हर किसी को जाके तो ना पूछूंगा कि किसने 5,000 दिए, 200 बच्चे, 200 बच्चों को जाके तो नहीं पूछ सकता। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ नहीं किया, 5,000 आ गए, मैंने भगवान को बोला थैंक यू भगवान, घर आई लक्ष्मी को कोई मना नहीं बोलता है। फिर स्टूडेंट्स और जिन पेरेंट ने मुझे 5,000 दिए थे उन्होंने भी मुझे कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, कोई मैसेज नहीं किया। फिर हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, स्टाफ ने सब स्टूडेंट्स को मैसेज किया जिनसे फीस देना बाकी था, तो उसमें उन पेरेंट को भी कॉल गया कि आपका फीस देना बाकी है। तो वो पेरेंट बोले कह रहे मैंने तो पेमेंट कर दिया जैनिस सर को, तो स्टाफ बोले हमको तो आइडिया नहीं है। तो स्टाफ ने मुझे कॉल करके पूछा, मैंने बोला हाँ पेमेंट तो आया लेकिन किसका है मुझे क्या पता। अब मैं सारे 200 बच्चों को जाके तो नहीं पूछ सकता कि भाई आपने मुझे 5,000 दिए, कि आपने मुझे 5,000 दिए, हर बच्चा फिर तो हाई बोलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वो पैसा है जो हमारे पास पासबुक में डायरेक्टली आ चुका है बट हमें खबर ही नहीं है, मुझको हुई ना खबर, ठीक है स्टूडेंट्स, चोरी चोरी 5,000 आ गए थे, ठीक है। तो ये दोनों पैसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि पैसे ऑलरेडी हमारे पासबुक में आ चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब डेबिट साइड आ जाओ स्टूडेंट्स, डेबिट साइड सारा डेबिट माइनस करना है, तो कैशबुक से शुरू करेंगे ये। अब देखो स्टूडेंट्स इतना हो गया हमारा क्रेडिट साइड हो चुका है, तो क्रेडिट साइड हो चुका है तो स्टूडेंट्स हमें क्या किया, सब अमाउंट को हमने सारा का सारा प्लस कर दिया, 9,800 के साथ भी प्लस कर दिया, ठीक है। अब कैशबुक में जो स्टूडेंट्स डेबिट साइड अनकॉमन है, कौन सा दो अनकॉमन था, अपर्ण और ओंकार। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पैसा वो है जो मुझे घर बैठे बैठे लगा था कि पैसा आ गया लेकिन सच्ची में नहीं आया था, कैशबुक ये वो है जो मैं घर बैठ के बनाता हूँ। तो अपर्ण और ओंकार का चेक आया था, मैंने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया स्टूडेंट्स, बट क्या उसका पासबुक में रिफ्लेक्शन है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है देयर इज सम पॉसिबिलिटी, हो सकता है चेक बाउंस हो गया, हो सकता है कि मैंने लास्ट डे ऑफ द मंथ में डाला, उस लास्ट सेकेंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, और उस चेक को 2 से 3 4 दिन लग गए पास होने में, इसीलिए उस मंथ में उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो चेक डिपॉजिट तो किया मैंने बट इट इज नॉट क्रेडिटेड, इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक येट, उसको माइनस कर देंगे, दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब पासबुक के डेबिट में चले जाओ, पासबुक में 3 ऐसी एंट्री थी जिसकी नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स, पर ये पासबुक में तो वो है जो सच्ची में हमारा पैसा कट गया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक रिकॉर्ड इन पासबुक ओनली, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक रिकॉर्ड इन पासबुक ओनली, एंड टेलीफोन बिल ऑल्सो पेड बाय बैंक रिकॉर्ड इन पासबुक ओनली, उन तीनों को भी, इन सारे अमाउंट को 5 के 5 अमाउंट को आउटर कॉलम में डालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली 9,800 में 12,900 को ऐड करेंगे, अमाउंट 9,229,000 आया, उसमें 12,500 को माइनस कर देंगे और जो हमारा अमाउंट आया 16,500। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा अमाउंट है 16,500 वो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ पासबुक होगा, जाके चेक कर दीजिए क्या क्लोजिंग ऑफ पासबुक उतना ही दिया हुआ है। यस क्लोजिंग ऑफ पासबुक उतना ही दिया, 16,500, तो आपका अमाउंट राइट होगा, इज दैट ओके स्टूडेंट्स। तो आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है कि
हाँ तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, मैं थोड़ा सा कैमरा बड़ा कर लेता हूँ। ओके आप लोग को स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि जब भी कॉमन पीरियड के लिए अगर कोई आइटम दी हुए हैं स्टूडेंट्स, तो कॉमन पीरियड के लिए उसमें अनकॉमन आइटम को कंसिडर करो, और अनकॉमन आइटम में जो क्रेडिट साइड है उसको प्लस कर दो, और जो डेबिट में दिया उसको माइनस कर दो, और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दोनों को कंपेयर करना, और दोनों में अगर कोई मिस्टेक है तो उसको साथ ही साथ रेक्टिफाई भी कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वॉज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू, ऐसे ही आपका साथ बनाए रखना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट, लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, कमेंट कर लो भाई। ओके गाइस थैंक यू सो मच, ऑलमोस्ट दिवाली टाइम चल रही है, विश यू गाइस एडवांस हैप्पी दिवाली एंड स्टे सेफ, बाकी मिलते रहेंगे हम वीडियो में। या थैंक यू सो मच, बाय बाय।